कानपुर के एलर्ट अस्पताल में आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्सों ने काम बंद कर दिया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए काम के बदले उचित सैलरी ना देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा समान वेतन मिलना चाहिए। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने कई स्टाफ नर्सों के पॉजिटिव आने के बाद सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं की। एलर्ट में कुल 150 आउटसोर्सिंग स्टाफ है। वजह ये हम लोग की जो है सैलरी बहुत कम है। हम लोग को परमानेंट किया जाए, हम लोग को समान वेतन समान कर, हम लोग जो भी काम करते बराबर करते हैं, जितने परमानेंट वाले काम करते हैं उतना हम लोग भी करते हैं, मगर हम लोग की सैलरी बहुत कम है। मौर्य जी यहाँ पे आए थे तो उन्हें ये बोला था कि 15 अगस्त को कि इस बार महीने सैलरी बढ़ के मिलेगी। अभी तो हम लोग को सैलरी बढ़ के मिली है, ठीक है। अभी तक सब झलासा दिया जा रहा है। हमने सिर्फ हड़ताल नहीं करिए, सिर्फ स्ट्राइक करिए, बैठने के लिए काम नहीं होगा। जब तक 24 घंटे फ्रीचल चाहिए, सिर्फ सैलरी बढ़ के मिले इस महीने की। लोग पिछले 4 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं कि सैलरी बढ़ेगी। कोविड में 2-3 बार हम लोगों को ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। बस हम लोग 6,000 रुपए में जान दे रहे हैं। हम लोग को कोरोना हो जाए तो कैसे हम लोग क्या हमारे कर्मचारियों को हो रहा है कोरोना, उनके बच्चों को हो रहा है, कोई किसी को सुनवाई नहीं है।